every party is incomplete without pani tikka and snacks, and I'm giving you a better version of both. Hi, this is Pragya and welcome to Craving Score. आज हम बनाने जा रहे हैं एकदम परफेक्ट पार्टनर है जो चाय का पनीर टिक्का पॉकेट्स, जो बहुत ही लाइट हैं, बहुत ही मसालेदार हैं और आई एम श्योर हर पार्टी की जान है। चलिए जल्दी से देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक बड़ा बोल लीजिए, एक बड़ा बर्तन लीजिए, उसमें मैंने 250 ग्राम रिफाइंड फ्लावर या मैदा डाला है। उसमें डालिए थोड़ा सा नमक, उसमें डालिए बटर जो मैंने थोड़ा सा मेल्ट कर लिया है, 2 बड़े चम्मच बटर। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करिए, आटे में हमें बटर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा टाइम लीजिए, अपनी फिंगर्स को यूज़ करते हुए इसे मिक्स कीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम मांड लेंगे। एक सॉफ्ट आटे में हमें मांड लेना है इसको। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अगर आप बिल्कुल नया नया ही कुकिंग करना स्टार्ट करा है आपने, तो भी 5 से 10 मिनट में ये हो जाएगा। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करिए ताकि ज़्यादा ना हो जाए। उसके बाद हमें एकदम सॉफ्ट आटा बनाना है इसका। देखिए रेडी है बिल्कुल। अब हम इसे 15-20 मिनट के लिए रख देंगे अलग, और हम अपनी फिलिंग बनाएंगे। तब तक थोड़ा सा 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे एकदम गाढ़ा दही लिया है, इसमें 2 छोटे चम्मच नींबू डालिए, 1 बड़ा चम्मच तेल, कोई भी तेल ले सकते हैं आप, धनिया के पत्ते चॉप करे हुए 1 बड़ा चम्मच, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, हरी मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई 1 डाली है इसमें, 1 छोटा चम्मच अदरक पिसा हुआ डाला है, 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे चाट मसाला अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसका रंग ही बड़ा अच्छा आता है, और इसमें हमें मैरिनेट करने हैं शिमला मिर्च कटी हुई और पनीर के क्यूब्स। इसमें बहुत बड़े साइज़ के पनीर के क्यूब्स मत काटिएगा, इसमें छोटे टुकड़े कर रखिएगा पनीर के, बिकॉज बड़े पनीर के पीसेस के साथ फिलिंग करने में आगे हमें प्रॉब्लम होगी, इसलिए पनीर के पीसेस आप छोटे रखिए। इसके बाद एक पैन लीजिए, उसे गरम करिए, उसमें हम थोड़ा सा तेल लेंगे, उसके बाद हम अपने मैरिनेट करे हुए पनीर और शिमला मिर्च इसमें डालेंगे। अब हमें इसे भूनना है अच्छे से, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। इसे मीडियम आंच पर ही रखिए, मीडियम फ्लेम पर ही रखिए, और इसे धीरे धीरे पकने दीजिए। दही का जो मिक्सचर हमने बनाया था वो अच्छे से कवर हो जाएगा पनीर के ऊपर। देख रहे हैं, देखने में ही बहुत स्वाद लग रहा है। इस पॉकेट्स के साथ आपको ना चटनी की ज़रूरत लगेगी, ना टोमेटो सॉस की, ये मसाला ही अपने आप में सारे फ्लेवर्स आपको देता है। बस हमारे ये लगभग हो गए तैयार। देख रहे हैं बिल्कुल सूख गया है पानी भी, बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसे एक बोल में निकाल के अलग रख लेते हैं। आइए हम अपना आटा देखते हैं जो और सॉफ्ट हो गया है, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए हमारा आटा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। अब हम थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे, और हम अपने तैयार आटे में से एक छोटी बॉल ले लेंगे, के बाद इसको थोड़ा सा फ्लैट करके अपना इसको रोटी की तरह बेलेंगे। हमें बेसिकली एक पतली रोटी बनानी है इस मैदे से,
बीच में जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट लगती है आप थोड़ा थोड़ा सूखा मैदा ले सकते हैं इसको अच्छे से बेलने के लिए। चलिए हमारी रोटी अब रेडी होने वाली है। अब हम एक नाइफ लेंगे या चाकू लेंगे और इसको स्क्वायर शेप में काट लेंगे। हम इसके सारे एजेस एक्स्ट्रा एजेस जो हैं वो हम हटा देंगे। लीजिए हमारा स्क्वायर रेडी है। अब हम लाएंगे अपनी फिलिंग जो हमने तैयार की थी पनीर की, वो हम इसके सेंटर में रखेंगे और इसके बाद हम कॉर्नफ्लावर स्लरी लेंगे। हमने इसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच पानी लेके इसको रेडी किया है। अब हम इसके एजेस पे लगाएंगे, इसकी साइड्स पे लगाएंगे इसको सील करने के लिए। अब हम इसको कवर करके इसके अच्छे से एजेस अब प्रेस करेंगे और इसको अच्छे से सील करने के लिए हम एक नाइफ लेंगे और उससे हम सारे साइड्स पे इसको इस तरीके से प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो जाए और हमारी स्टफिंग जब हम फ्राई करेंगे तो वो बाहर ना आए। लीजिए हमारे ये पॉकेट्स रेडी हैं। इसी तरह से हम और पॉकेट्स बनाएंगे। इसके बाद हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे, इसे अच्छे से गर्म होने दीजिए। ये देखिए हमारे पनीर टिक्का पॉकेट्स रेडी हैं, फ्राई करने के लिए रेडी हैं। उसके बाद हम तेल जब गर्म हो जाएगा हम इसमें अपने बनाए हुए पनीर टिक्का पॉकेट्स डालेंगे। अब हमें इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हमें फ्राई करना है, जब तक हमें ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं मिलते। इसे हमें मीडियम आंच पर ही रखना है, हमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही रखना है और इसे अच्छे से सेकना है। अब हम लोग इसको एक बार पलट लेंगे दूसरी साइड से भी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए, इसके साइड्स भी अच्छे से फ्राई हो जाएं, इसलिए मैं इसको ऑयल में डिप कर रही हूँ। लीजिए हमारे पॉकेट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। इसकी सबसे बढ़िया बात है ये बहुत हैवी नहीं होते खाने के बाद, आप इसे खाते हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही लाइट रहते हैं, तो आप 2-3 आराम से खा सकते हैं। चलिए आई थिंक हमारे दूसरा बैच भी हमारा ये फ्राई होने वाला है, रेडी होने वाला है। इसे भी हम अब निकाल लेते हैं ऑयल से। आप इसे किसी भी तरह की डिप के साथ सर्व कीजिए, सॉस के साथ, शेजवान के साथ, मस्टर्ड के साथ, बट आई थिंक आपको इसके साथ ज़रूरत नहीं लगेगी, ये अपने आप में ही काफ़ी फ्लेवर्स से भरपूर हैं। प्लीज़ डू शेयर योर रिव्यूज़ एंड डू राइट योर कमेंट इफ़ यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।